गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चा ठीक है? देखिए, मैंने आपको जो है चैप्टर मीटियम और एक्सप्लेन किया था, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझा रही हूं। देखो इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। सबसे पहला प्रश्न इसका, गड्ढे कैसे होते हैं? तो बच्चों गड्ढे कैसे होते हैं? गड्ढे गोल और मीठे होते हैं। प्रश्न दूसरा है, जामुन किस रंग के होते हैं? तो इसका आंसर आएगा, जामुन काले रंग के होते हैं। प्रश्न तीसरा, समाप्त वाले शब्द मिलाओ। तो पहला है खाजा, खाजा का क्या होगा? ताजा। ये कौन सा प्रश्न है बच्चों? इसके पहले आपकी खालिस्तान है, ये मैंने आपको बताया। तो इसके बाद देखो खालिस्तान है, निम्न कविता की पंक्ति को पूरा करो। तो मीठे होते आम रसीले, मीठे होते क्या? आम रसीले। मीठे होते जामुन काले। मीठा होता, मीठा होता खस्ता, खस्ता खाजा। मीठा होता खस्ता खाजा। मीठे होते क्या होते? गट्टे गोल। मीठा होता दाछवारा। मीठा होता सॉरी बच्चों, मीठा होता शक्करपारा। मीठा होता रस का घोर। सबसे नीचे है मीठे घोर। बच्चे मैंने आपको दे रखे हैं कविता लिखी थी, उसमें से आप उसमें से छाटकर ये करोगे। उसके बाद मिल रहा है समांत वाले शब्द मिलाओ। तो ये समांत वाले शब्द है क्वेश्चन नंबर है ये तीसरा। कौन सा है ये? तीसरा। दूसरे खालिस्तान है वो आप बुक में करोगे, ये वाला कॉपी में करोगे। समांत वाले शब्द मिलाओ, खाजा ताजा, गोल गोल, काले रसीले, मिश्री न्यारी, छुआरा पारा। ठीक है, तो ये तीसरा है। उसके बाद जो बच्चों ने आपको छठा बताया है, ये कौन सा है? छठे वाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ। जैसे मनो प्लस हारी मनोहारी, मनो प्लस काम मनोरम, पर प्लस मार परमार, और पर पुष्पास परस्पर। ठीक है, तो आपको कॉपी में क्या करना है? ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, समांत वाले करने हैं, और शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ, ये कॉपी में करने हैं। और बुक में